मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं। देश में हर साल हजारों लोग इन बीमारियों से ग्रसित होकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। समय पर इलाज नहीं मिले तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन में लोगों को मलेरिया और डेंगू के मच्छरों से बचाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्री में मच्छरदानियाँ बांटी जा रही है। ये मच्छरदानियाँ ऐसे सेंसिटिव एरिया के लोगों को दी जा रही है जहां मलेरिया और डेंगू के मरीज पाए गए हैं। इस संबंध में लोकल 18 को खरगोन जिला अस्पताल में पदस्थ मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनोज पाटीदार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जिले में 358,700 मच्छरदानियों का वितरण किया जाना है। अब तक करीब 300,000 मच्छरदानियाँ वितरित की जा चुकी है। शेष बची मच्छरदानियाँ भी जल्द ही बांट देंगे। हमारे पास जो है विगत 6 वर्षों से जो है पहले केस रहते थे और विगत 6 वर्षों से जो मलेरिया विभाग जो है सतर्कता के साथ काम कर रहा है और काम करने के साथ जो है वो मच्छरदानी वितरण जो है जिले में 358,700 मच्छरदानी आई है जिसको सतत वितरित किया जा रहा है और प्रयास ये है कि 25 तारीख से पहले पूरे जिले में मच्छरदानी वितरण खत्म कर दिया जाए ताकि जो है हाई रिस्क जितनी भी मलेरिया प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को सुरक्षित किया जा सके और साथ ही जो है उनको मलेरिया से बचाव और डेंगू से बचाव करने में सहायता की जा सके। आपको बता दें कि 6 साल पहले जिले में 2400 मरीज मलेरिया से ग्रसित थे। ये चिंता का विषय था। विभाग के लगातार प्रयास से आंकड़ों में काफ़ी हद तक कमी आई है। बीते साल 2023 में जिले में सिर्फ 7 मरीज मलेरिया के पाए गए थे। इस साल अब तक एक भी मरीज सामने नहीं आया है। डॉक्टर मनोज पाटीदार ने लोकल 18 से यह भी बताया है कि जिले में मलेरिया के मरीज तो कम हो गए लेकिन डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 1000 मरीज पाए गए हैं। बीते साल 2023 में 73 डेंगू के मरीज सामने आए थे। वर्तमान में सबसे कम मलेरिया केस वाले ज़िले में मध्य प्रदेश में खरगोन 5वें नंबर पर है। प्रयास है कि जल्द ही खरगोन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाए। अभी तो केवल 7 एरिया हाई रिस्क ऐसे हैं जहाँ पर केस निकल कर आए थे और डेंगू को अगर देकर देखें तो जितनी भी अर्बन सिटी हैं वहाँ पर काफ़ी केस निकल के आए थे। इस साल जो है हमारे पास 73 केस हुए हैं जहाँ पर हमारी टीम ने सतर्कता से काम करा है और डेंगू को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। मलेरिया केसेस हमारे पास 5 साल पहले जो हैं वो 2400 के लगभग थे जो अब घट कर मात्र जो है 7 के लगभग आ गए हैं। डॉक्टर मनोज पाटीदार ने बताया है कि ज़िले में बड़ी संख्या में 6 साल पहले मलेरिया के केस मिले थे। जिस एरिया में केस मिले वहाँ की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। लोगों को मच्छरों से बचाने के लिए शासन ने वर्ष 2019 में ऐसे सेंसिटिव एरिया में मच्छरदानियाँ वितरित करवाई थी जिसके बाद मलेरिया के केस काफ़ी हद तक कम हुए। अच्छे परिणामों को देखते हुए फिर से उसी डेटाबेस के आधार पर पहले से चिन्हित एरिया में मच्छरदानियाँ लोगों में बांटी जा रही हैं। ये मच्छरदानियाँ एक खास तरह के केमिकल से बनाई गई है जिसकी वजह से मच्छर इसके पास नहीं आते हैं। आते भी हैं तो वे मर जाते हैं। गंदी हो जाने पर आप इसे धो भी सकते हैं। केमिकल का असर मच्छरदानी से 8 बार धोने के बाद भी खत्म नहीं होगा। ये मच्छरदानियाँ नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए बांटी जा रही है। राशन कार्ड दिखाकर परिवार के सदस्य मच्छरदानियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम MP के जो है टॉप 5 जिले में आते हैं जहाँ पर मलेरिया हमने कम करके दिखाया है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।